दोस्तों, हम लोग यहीं से स्नान करके आ रहे हैं। ये देवप्रयाग संगम का फुल व्यू है ऊपर से, एक तरफ अलकनंदा एक तरफ भागीरथी। दोस्तों, मेरी लाइफ की एक अद्भुत और एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ये। इस मॉर्निंग के लिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। व्लॉग्स गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की सीरीज चल रही है अपने पेज पर। आज हम लोग निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए और अभी मुरादाबाद ट्रैवल 24 पर खड़ा हूँ। अपने साथ अपने भाई नरेंद्र सुमन, विजय सौरभ और मुकेश गाड़ी पर बैग बांध रहे हैं। जर्नी स्टार्ट, हम लोग बाइक से जा रहे हैं और अपने पास दो बाइकें हैं, दोनों के दोनों स्प्लेंडर हैं। निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। कैसी जर्नी होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करते चलें। मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। दोस्तों, पहले हम लोग 24 आए थे भाई नरेंद्र को पिकअप करने, अब उसके बाद हम लोग सीधे चल रहे हैं कांट रोड। सुंदर न्यू फ्लाई ओवर बना है कांट रोड को जो कनेक्ट करता है मुरादाबाद में, अब उस पर चल रहे हैं रोड है और बहुत ही जबरदस्त ब्रिज बनाया है। करीब डेली 5,000 वाहनों की सुविधा इसमें होती है। ज़्यादा कोशिश की हरिद्वार, लगभग अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग 5 बजे से पहले कोशिश करेंगे हरिद्वार पहुँच जाएँ और आज श्रीनगर स्टे करेंगे। उसके बाद वहाँ से सीधा रुद्रप्रयाग, स्वामी कार्तिक, धारा देवी टेम्पल और कोटेश्वर महादेव जो मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे। मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे के साथ। सब लोग इस टाइम नदियों वाला नदियों वाला हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है हरिद्वार, लगभग 4.5 का डैम हो रहा है। हम लोग नदियों वाला चुके हैं, यहाँ से सीधा हरिद्वार चलेंगे और हरिद्वार से सीधा रुद्रप्रयाग। लेकिन स्टे जो आज करेंगे वो श्रीनगर करेंगे, क्योंकि बाइक से ज़्यादा नाइट में रोड पर चलना राइडिंग ठीक नहीं है। मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। गाइस, फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, लगभग हरिद्वार से 2 किलोमीटर पीछे हैं और अभी यहाँ पर चाय पीने रुके हैं, क्योंकि सौरभ और मुकेश पीछे है तो उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये चंडी देवी मंदिर है ऊपर और यहीं से रोपवे बन गई है। जो आपने अभी गेट देखा चंडी देवी मंदिर था, यहीं से रोपवे बन चुकी है, आप सीधा ऊपर मंदिर को जाएंगे। तो ये जो पहाड़ है, ये पूरा चंडी देवी मंदिर पहाड़ है जो आप इस टाइम वीडियो में देख रहे हो। दोस्तों, हम लोग फाइनली बिल्कुल हरिद्वार के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से सीधा हम लोग, वैसे तो हमने स्टे करना श्रीनगर सोच रखा था लेकिन टाइम बहुत हो गया है, तो इसलिए हम लोग स्टे श्रीनगर नहीं देवप्रयाग करेंगे। और यहाँ से लगभग देवप्रयाग की दूरी जो है वो 60 से 70 किलोमीटर की है और हम चलते हैं आप सीधा ऋषिकेश रोड पे और मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। दोस्तों, हम लोग इस टाइम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद हम ऋषिकेश से ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ऊपर से आपको इस ऋषिकेश का नाइट व्यू देखने मिलेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। चलते हैं फिर आगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुका हूँ तो वहाँ से आपको ऋषिकेश का नाइट व्यू दिख रहा है ऊपर का पूरा। गाड़ियाँ रोकना अलाउड नहीं है, नहीं तो रोक के पूरा शॉट लेता क्योंकि नाइट का टाइम है। दोस्तों, लगभग रात के 10:30 बजे हम लोग देवप्रयाग आ चुके हैं, यहाँ पर रूम लिया है, स्टे करेंगे। गाइस, फाइनली हम लोग रुद्रप्रयाग में स्टे करेंगे, अब रूम ले लिया है और यहीं पर रुकेंगे। और भाई नरेंद्र सुमन पीछे थक हार के बैठ चुके हैं क्योंकि मुरादाबाद से 2 बजे निकले थे और इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, लगभग 7 घंटे लगेंगे क्योंकि कुछ देर हम हरिद्वार रुके थे, बीच में रुक के आए हैं, तो इसलिए हम देवप्रयाग आ चुके हैं। अब यहीं पर स्टे करेंगे रात को और खाने का ऑर्डर कर दिया, देखते हैं क्या मिलता है खाने में। और
उसके बाद मॉर्निंग में यहाँ पर जो यहाँ पर देव प्रयाग संगम वो देखेंगे, मुख्य मंदिर जो उसके दर्शन करेंगे। दोस्तों में खाने की सब्जी आइए, गोभी आलू और हरहर की दाल। अब करते हैं खाना शुरू। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे ब्लॉग में कल। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उठ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे नहाएंगे। संगम हो रहा है देव प्रयाग का और उसके बाद टेम्पल है, बहुत पुराना, 10 साल पुराना। और अब करेंगे बात, इस रोड से हम लोग आए थे और सामने वो रोड दिख रहा होगा आपको, जो गाड़ी उतर रही है नीचे से, वहाँ से हम लोग आए थे। देव प्रयाग है अपना नीचे, अभी चलेंगे ना नहाने धोने नीचे। वॉल नदी आ रही है, हम सामने से नीचे से ऊपर आए थे रोड, और इधर से बंदा की जा रही है जो इसी का केदारनाथ से आ रही है। चलते हैं थोड़ी बहुत देर में, आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ। उसमें होटल वो है राधिका पैलेस नाम है होटल का, और अपना जो रूम है वो नीचे बेसमेंट में जाके है। इधर का होटल के बालकनी में अपना रूम, उसका व्यू है। ये अपने होटल का रूम है, ये रूम लिया था हमने हम लोगों रात। यहाँ एक LCD लग रही है, और इधर ये प्रॉपर आपका सामान रखने के लिए कबर्ड दिया है, और ये बाथरूम है, अच्छा खासा बाथरूम है, बड़े बड़े के लिए सामने टॉयलेट लग रहा है, सीट लग रही है। अगर आप गर्म पानी बनाते हो तो गीजर भी है यहाँ पर, वॉशरूम भी। मिलते हैं आपसे नीचे संगम पर। इस टाइम हम लोग चल रहे हैं संगम के लिए, और आपको दिखाते हैं देव प्रयाग संगम। दोस्तों यहाँ पर हम रुके थे, राधिका रिसोर्ट नाम है उसका, और उसी रोड से बराबर से नीचे पैरियाँ जा रही है सीधे संगम के लिए, और यहाँ से पैदल का रास्ता है, पैदल पैदल आप नीचे जा सकते हो। लगभग यहाँ से 1/2 किलोमीटर नीचे होगा, और हम लोग इस टाइम चलते हैं संगम पर। मिलते हैं आपसे, ये अपने भाई लोग आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि सब अपने साथ में चल रहे हैं, हम 4 लोग आए हुए हैं जैसे मैंने आपको वीडियो बताया। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे संगम पर। संगम घाट के लिए रास्ता जा रहा है, और आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, काफ़ी तेज पानी की आवाज़ आ रही है। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली हम लोग अपनी ट्रिप के एक पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि देव प्रयाग संगम था। आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड पर भागीरथी, और लेफ्ट हैंड पर अलकनंदा नदी आ रही है। और अब चलते हैं नहाने, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, एकदम बहुत काफ़ी ठंडा मौसम है, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, चल के देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं वीडियो में, ये भागीरथी नदी आ रही है इधर से। चलते हैं फिर नहाने। दोस्तों मेरी लाइफ की एक अद्भुत और एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ये। इस मॉर्निंग के लिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है ऐसी जगह आने के बाद। और आज मैं देव प्रयाग संगम में हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ भागीरथी नदी का, जैसे मैंने आपको वीडियो पहले बताया, संगम हो रहा है। और संगम घाट पर एक अलग ही अलौकिक और एक अलग ही दिव्य, दोस्तों यहाँ पर नहाकर कहते हैं ना कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। और आज के इस दिव्य दिन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी का आशीर्वाद आज मुझे मिला। उनके इस पवित्र जल में स्नान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मेरे सभी दोस्तों को प्राप्त हुआ। इस चीज़ के लिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ नहाने के बाद
एक अलग ही ऊर्जा शरीर में आई और अब यहाँ से नहा के ऊपर एक मंदिर है दिव्य, उसके दर्शन करते हैं जो कि रघुनाथ टेम्पल है। 10,000 से भी ज़्यादा पुराना मंदिर बताया जाता है। चलते हैं फिर मंदिर पर। दोस्तों हम लोग अभी देवप्रयाग में हैं, संगम पर, संगम घाट पर हैं और अभी हम लोगों ने स्नान कराया, अभी नहाए हम लोग। ठंड के मारे मेरा हाथ कांप रहे हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है और आप देख सकते हो इस टाइम संगम पर हूँ। ये है अपने देवप्रयाग संगम मेरे पीछे। गाइस संगम व्यू पॉइंट। दोस्तों इधर ये आप देख रहे हो काफ़ी तेज ज़्यादा जो पानी आ रहा है, ये है माँ भागीरथी और जो इधर शांत स्वभाव में है ये माँ लखनंदा है और सामने इन दोनों के मेल से माँ गंगा का जन्म होता है। दोस्तों आप देख रहे हो ये जो लाइट ग्रीन पानी है ये माँ भागीरथी नदी का पानी है और जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है वो माँ अलकनंदा नदी का पानी है और इन दोनों का यहाँ संगम हो रहा है जो कि बहुत अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों यह रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का, इसकी मान्यता है 10,000 साल पुराना है, ये उसका मेन गेट है। चलते हैं मंदिर में। महादेव। यह है अपने देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर। दोस्तों हम लोग यहीं से स्नान करके आ रहे हैं, ये देवप्रयाग संगम का फुल व्यू है, ऊपर से एक तरफ अलकनंदा एक तरफ भागीरथी। दोस्तों इसी के साथ आपने अभी देखा देवप्रयाग संगम, उसमें हम लोगों ने स्नान किया, रघुनाथ टेम्पल के दर्शन किए और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे रुद्रप्रयाग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गंगा।